अबे ओ उधर नहीं यार, ओ भाई माफ करो तुम उधर मत जाओ, जा रहा हूँ। प्रिकॉशन ये रास्ता भी दिखा दे, वेरी इम्पोर्टेंट। वो तेरी क्लियर नहीं कर वाली, वो अब लोग घूमने आ रहे हैं। वो देख लौंडी आए, दो लड़के हैं एक लड़का, लड़का भाई आंटी है, आंटी है, हाँ एक आंटी है। चलो ओए कुछ भी आपत्ति इधर के कर ले, इधर इधर कुछ भी आपत्तिजनक शब्दों का यूज नहीं करना, क्योंकि फिर बाद में हम लोग पता चला कहाँ दिखाया और पंगा हो जाएगा फालतू में। ये बात सही है, वो हमें देख रहा है, देख लो हमें देख रहा है, टाटा कर देना सर। चलो नहीं थक गए तुम्हें, ऐ कर रहा है इसको यार, बर्फ से थोड़ा ढक देते हैं, बोलते हमारा ये पेड़ है, तेरा पेड़ नहीं है, बैठ के थोड़ा उधर में जाओ सीधा। यहाँ पर सिद्धार्थ बहुत बुरी तरह थके हुए नजर आ रहे हैं। हाँ अरे वो देख, वो है वो घर, वही वो तो नहीं है जूतों की दुकान हो सकती है। चलिए हाथ लगा लो, वृक्षारोपण अभियान, वृक्षारोपण अभियान चल रहा है, वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ, जीवन जीवन बचाओ। चलो वृक्ष को हम लोग पानी दे रहे हैं, बर्फ ये तीनों लोग प्रश्न कर रहे हैं, हम भी साइड में इधर देखिए, हमारी भी ले लो, हमारी ले ली गई। मैं बोल, हाँ अब बोल, अब ये पेड़ हमारी यादगार के रूप में यहाँ हमेशा लगा रहेगा, जब कभी हम दोबारा लाइफ में आएंगे तो हम बच्चों बीवियों के साथ आएंगे। बताते जाओ, ये बर्फ की सीढ़ियों पे, बर्फ की सीढ़ियों पे मीरवाल और हम चलते हुए, और ये पीछे सिद्धार्थ शर्मा बर्फ का लेवल नापते हुए, और युधिष्ठिर नकुल सहदेव और युधिष्ठिर, पूरे पांच पांडव चल रहे हैं, पांचों पांडव हम मरा रहा है हॉस्टल में। थोड़ा सा नहीं होगा साले, ये थैंक यू होगा, ये है ना, ना ना अरे पिछलो ना वो उधर, शुक्ला जी बड़े जोश में आके ऊपर चढ़ रहे हैं, मगर नीचे गिरते जा रहे हैं, चढ़ रहे चक्कर में। बस शुक्ला जी आराम से, आराम, डोंट बी एक्साइटेड। शुक्ला जी ने अपने बिल्कुल बंद रह गया इनकी करो, सही आ रहा है मीरवाल का, सही आ रहा है, ये साफ नहीं आएगा। अबे ये चीज नहीं दिख रहा, देख लोग वहां की नजर यहाँ पड़ेगी, डंडा डाल दे डंडा, अबे डंडा डाल दे, अबे झंडा गाड़ के जाओ यहाँ पे भाई, झंडा हटियो आते वक्त देखेंगे इसको, बेटी हाँ वीडियो बनना है ना, चलो चलो ठीक है, अब आगे 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 वो नहीं, यहाँ बस बर्फीले ये हमारा रास्ता है, जिसमें बस बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। कहाँ बना है? अरे आप पर बनाएंगे ये, मतलब ये कुछ लोगों ने टेडी बियर बना रखा है, हमने जो बनाया ना वो याद रहेगा, टेडी बियर तो बिगड़ जाता है यार, जो मीरवाल बड़े उछल रहे बहुत ज्यादा ही। मीरवाल किसी का ढीला बाद, चल यार मंदिर जा रहे हैं, मंदिर के बाद मंदिर के बाद करेंगे। हाँ सही है, मंदिर पहुँचे हमारा उद्देश्य है, मंदिर पहुँचना सलामत, तू पकड़ लेते आगे से, कभी कभी पीछे लेते रहना, चल रहा है वो पीछे साइड साले पीछे लगे चलते हुए यार। सिद्धार्थ थाम और बिल्डिंग 85 अरे तेरी ये ऐसे देख क्या, अभी सात रंग टाइप का एक आ रहा था जी सब बन के, वो थोड़ा धूप पड़ रही हूँ, इंद्रधनुष टाइप का, घूम जा बेटा घूम जा, चले मेरी ले चलते हुए पीछे वाली। और ये शुक्ला की जर्नी, हमारी जर्नी बिल्कुल मंगलमय है, बिल्कुल डंडा थाम रखा है, वीरवाल के पैरों में थोड़ी चोट लगी हुई है, लेकिन फिर डंडे के सहारे चढ़ते हुए, स्पिरिट में कोई कमी नहीं है इनके, सिद्धार्थ थका हुआ है लेकिन फिर भी दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है, मैं थक चुका हूँ, ये असली मर्दानगी है, यही असली मर्द यही है, बाकी बाकी असली में बैठा हुआ है। एक बात तो मानिए यार, जैसे शुक्ला को मारने तो पट्टे मोड़ देते हैं, शुक्ला खतरनाक क्वालिटी भाई, ये बात तो अच्छी लगी भाई।
यहाँ पे यार एक बना दो। तो क्या अवशेष हैं आदिमानव जो पाए जाते थे उनके पद चिन्ह हमें मिले हैं, उनकी खोपड़ियाँ हमें मिली हैं। अब इस जमाने में भी कुछ आदिमानव है, आदिमानव देखो ये आदिमानव के एक और करते हुए क्या जल्ला आते आने वालों में। सिद्धार्थ इज अ लीडिंग मैन, Siddharth is a leading man. Who is leading by front? Leading from the front this time. Meerwal looking little bit lazy. But still he has a mardana spirit. एसपी ने इतनी ऊंचाई पे कोरियोग्राफी करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया। ये तो वीडियो देख रहे हो ना, आ रही है रिकॉर्ड। ये है 2 मेगापिक्सल कैमरा का कमाल, ये 2 मेगापिक्सल कैमरे का कमाल है। और एसपी ने इतनी तगड़ी रिकॉर्डिंग की है, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हम लोग भेजने वाले हैं। हिमालय की दुर्गम पहाड़ी देखिए यहाँ पे, ये हाल है। कहीं कहीं हमें जमीन दिखाई देती है, नहीं तो हर जगह बर्फ ही दिखाई देती है। ये पहाड़ियाँ सुंदर सुंदर बर्फों से ढकी हुई, उनको जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो एक ऐसी लालिमा छा जाती है जो कि आपको मनमोह लेती है। इस लालिमा को देखने के लिए ही इस तरह का अद्भुत नज़ारा हमें कभी देखने को नहीं मिला। प्रकृति का अद्भुत नज़ारा, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। पूरी जीवन पर्यंत में पहली बार किस्मत वालों को ही नसीब होते हैं और ये हम अपनी जिंदगी पर याद रखेंगे। वालों की फोटो ये हमारी पहली पद यात्रा जो कि 3400 मीटर ऊपर है सी लेवल से, 3400 मीटर की ऊंचाई पे हम लोग पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं। रॉन्ग, थोड़ा सा रॉन्ग बस। ये नज़ारे जिंदगी भर हमारी यादों के जहन में ताजा रहेंगे। सिद्धार्थ नहीं बोल पा रहे क्योंकि उनकी फटी पड़ी है। सिद्धार्थ कुछ बोलिए। अपनी यादों के झरोखों में झाँकते हुए, एक्चुअली उनका इतना बोझ है ना, वो अपने बोझ को लेकर नहीं चल पा रहे हैं, बड़े परेशान हैं। इनके शरीर का बोझ 80 किलो से भी ज्यादा हो चुका है, उसको कम करने की पूरी कोशिश करते हुए। मतलब डेली जिम जाते हैं मगर तब भी उनकी जिम से जिम जाने क्या? हैं सिद्धू जिम जाने के बाद डेली कम से कम 4 जग बनाना सीख पीते हैं। यहाँ हमें बर्फ वाले जूतों की बहुत ही कमी महसूस हो रही है जिसकी वजह से हमारे सब जूते एकदम बिल्कुल हमारे हुए हो गए हैं, लेकिन हमारी अभी भी स्पिरिट में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं। नजारा बिल्कुल ही जरा गौर से देखिए, हिमालय की चोटी पर पहुंच गए हैं। हिमालय की चोटियों पर यहाँ सब तरफ बर्फ ही बर्फ, हर तरह के हरियाली वाले वृक्ष यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बड़े खूंखार जोर से बोलो जय माँ काली। ये देखिए हर तरह के पेड़, यहाँ पे हरियाली दिखाई दे रही है, यहाँ पे लाल रंग के पहाड़ हैं और बिल्कुल ऊपर ये बिल्कुल वाइट, हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, अद्भुत सुंदर दृश्य, अद्भुत विहंगम दृश्य, विहंगम मनमोहक विराम दृश्य, मतलब 10 में 10। अगर कोई सीनरी को लाइव देखे तो 10 में 10 देखे। एक बार में यकीन करना मुश्किल होता है कितना अच्छा दृश्य। इसलिए आकर ही देखिए, इसलिए आकर ही देखिए, एक बार आएंगे बार बार जाएंगे। ये थोड़ा जहर बीच में था, ये शुक्रा जी के द्वारा दिया गया जहर। हिमालय हिमालय की बड़ी दुर्गम जड़ी बूटियां हैं, हमें बाबा कामदेव से लिया इन्हें। काम की काम की चीजें हैं इसे अगर खा लो तो कभी लाइफ में काम की इच्छा खत्म नहीं होती।